प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो आपकी नजरों ने समझा के अपकमिंग ट्रैक में बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि चार्ली ने एक ऐसी साजिश रची है जो नंदिनी की जिंदगी फिर से खतरे में डालेगी। यूं तो चार्ली ने अपने रास्ते से नंदिनी को हटाने के लिए नम्रता को ये काम सौंपा था, लेकिन नम्रता इस काम को नहीं कर पाई। उल्टा बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से बेचारी नंदिनी को लेने के देने पड़ गए और डॉक्टर्स ने ये खुलासा कर दिया कि नंदिनी कभी माँ नहीं बन सकती। इसी के साथ आपको बता दें कि चार्ली ने खुद ये सोचा है कि अब वो नंदिनी को अपने रास्ते से खुद ही हटाएगी, वो और किसी के भरोसे नहीं बैठने वाली। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब नंदिनी बालकनी में खड़ी होगी तो सबसे पहले तो चार्ली उसे धक्का देने की कोशिश करेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से उसने ऊंचाई से गिराकर गुन को मारा था। वेल, यहाँ चार्ली नंदिनी को धक्का दे तो देगी, लेकिन साथ ही वहाँ मौके पर शोभित आकर नंदिनी को बचा लेगा और कहेगा कि ये कैसे हो गया। तब चार्ली नंदिनी के बारे में शोभित को बताएगी कि मैं तो सिर्फ नंदिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे बुला रही थी और नंदिनी अचानक से डर गई, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसका पैर फसल गया और वो बालकनी से नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी शोभित तुम आ गए और तुमने उसे बचा लिया। वेल, उस तरह यहाँ पर चार्ली एक्सप्लेनेशन दे देगी और नंदिनी भी इसे महज एक हादसा समझ लेगी, लेकिन ये जो हादसा है वो जानबूझकर चार्ली ने किया है, इस बात का पता नंदिनी और शोभित दोनों को ही नहीं चलने वाला। लेकिन कोई शख्स है जो दूर खड़ा इस पूरे सिनेरियो को शुरुआत से देख रहा है और ये शख्स है राजवी। जी हाँ, राजवी, जो पहले ही देख चुकी हैं कि किस तरह चार्ली ने पीछे से नंदिनी को जानबूझकर धक्का दिया था और अब वो शोभित के सामने नाटक कर रही है। राजवी इस बारे में कुछ समझ नहीं पाएगी और इसीलिए अब वो बात की तह तक जाने वाली है। तो इंतज़ार रहेगा सीरियल आपकी नज़रों ने समझा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले इन सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखने का।